Good morning, students. Yesterday we had seen about galvanization, rusting of iron, and the ways to prevent rusting. So three methods are there. First is we can coat the iron surface by the use of paint or grease. Second is galvanization by coating of zinc metal on iron surface, and the third one is we can use alloy instead of proper pure iron. Okay, so now we are going to learn about crystallization. Crystallization means jo pure form of any substance is called crystallization. Matlab hum अगर उसका कोई सॉल्यूशन बनाया है उसमें से हम उसके प्योर क्रिस्टल्स हम अलग करें, दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. सो यू हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर्स दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर. द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली. सो सॉल्ट हमें मिलता तो है इवोपरेशन करके, बट वो प्योर नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें होती है. सो ये प्रोसेस हम कैसे करेंगे? हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑप्टेन थ्रू दिस मेथड. सो बेसिकली इसका प्रोसेस क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. कोई भी हम सब्सटेंस ले, हमें अगर उसके क्रिस्टल्स चाहिए, उसका प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले उसको हम डिसॉल्व करेंगे. अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो हम उसका वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि ये आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे होता है, पर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा बहुत कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है. अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो हम कोई सब्सटेंस उसमें डालेंगे और उसको डिसॉल्व करेंगे, और तब तक उसमें डिसॉल्व करेंगे जब तक वो कम्प्लीटली मतलब सैचुरेट, एक लेवल ऐसा है कि उसमें वो डिसॉल्व ना हो, उस लेवल तक हम उसे डिसॉल्व करेंगे. सो ऐसा करने पे क्या होगा, वो डिसॉल्व उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा. उसके बाद हम उसे हीट करेंगे और सारा वाटर उसमें से इवोपरेट कर देंगे, और उसके बाद जो हमें मिलेगा दैट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड. अगर सपोज़ कोई वाटर सोल्यूबल कंपाउंड नहीं है तो हम उसे अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे. इथाइल अल्कोहल है, उसमें हम उसे डिसॉल्व करेंगे या एसीटोन में डिसॉल्व करेंगे और उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे. उसमें से फिर उसे वापस हीट करेंगे तो हमें वापस उसका प्योर फॉर्म मिलेगा, मतलब क्रिस्टल्स मिलेंगे. जब वो उसके क्रिस्टल फॉर्म में होगा दैट इज़ कि वो प्योरेस्ट फॉर्म है उसका. So here is one activity given. Take a spoon, a cup full of water in a beaker and add few drops of dilute sulfuric acid. So acid लेना है, water लेना है. Now heat the water. When it start boiling, add copper sulfate powder. Copper sulfate powder उसमें फिर डालना है and you have to stir continuously. Continue adding copper sulfate powder that till no more powder can be dissolved. No more powder can be dissolved. It means हमने ये saturated solution बनाया, ठीक है. अगर आपको saturated solution कैसा होता है और देखना, मतलब आपको खुद से देखना है, तो you have to do what I'll say now. सबसे पहले आपको 2 to 3 spoonful water लेना है, ठीक है. एक glass लेना छोटा सा, या cup ले सकते हो, उसमें आप 2 to 3 स्पून वाटर लेना. उसमें थोड़ा थोड़ा करके सॉल्ट डिसॉल्व करना. पहले थोड़ा सा सॉल्ट डालोगे, उसको पूरी तरह से डिसॉल्व करोगे, उसके बाद दूसरा थोड़ा सॉल्ट डालोगे, वापस डिसॉल्व करोगे, और एकदम से सारा सॉल्ट नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, और तब तक डालोगे जब तक वो क्या बोलते हैं, उसका डिसॉल्व होना बंद हो जाए, and that will be saturated solution. और उसके बाद हमें उसे हीट करना है, पर जो हीटिंग प्रोसेस है वो आप खुद नहीं करोगे,
आपके पेरेंट्स को साथ में रखोगे, या मैं इसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जिससे आपको पता चले कि कैसे होता है क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट। उसके बाद हमें वो सॉल्यूशन फिल्टर करना है, अलाउ इट टू कूल। सॉल्यूशन हमने क्रिस्टल फिल्टर कर दिया। उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन आफ्टर व्हेन इट इज़ कूलिंग। वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा, उसके बाद उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म होने स्टार्ट होंगे, समझ गए? सो दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। नाउ हियर चैप्टर इज ओवर, एंड इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट टू टाइप्स, दैट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो वॉट कैन बी डन इन फिजिकल चेंज, वॉट आर केमिकल चेंज, एंड सम न्यू टर्म्स यू हैव लर्न, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ओके, थैंक यू।